दोस्तों आज बॉलीवुड में फिल्मों से ज्यादा अफेयर और ब्रेकअप की खबरें सामने आती है, जिनमें कुछ स्टार्स ने अपने पसंदीदा एक्टर या एक्ट्रेस से प्यार में पड़ने के बाद शादी कर ली, आज एक खुशहाल जिंदगी बता रहे हैं। तो वहीं कुछ स्टार ऐसे हैं जिन्होंने शादी तो की लेकिन शादी लंबे समय तक नहीं चल पाई और अलग हो गए। ऐसे में आज हम आपको बॉलीवुड के उन स्टार के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने प्यार को पाने के लिए इतने बड़े कारनामे किए, जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाओगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। नंबर एक, ऐश्वर्या राय। दोस्तों बॉलीवुड के गलियारों में ऐश्वर्या राय बच्चन और सलमान खान की प्रेम कहानी किसी से छुपी नहीं है। एक समय ऐसा था जब सलमान खान और ऐश्वर्या राय एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, ऐश्वर्या राय के माता पिता सलमान खान को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इन्होंने ऐश्वर्या राय से ये तक कह दिया कि तुम सलमान खान से ना मिलोगी ना फिल्मों में काम करोगी। लेकिन उस समय ऐश्वर्या राय ने अपने माता पिता की ना सुनते हुए अपना घर छोड़ दिया और मुंबई के लोखंडवाला में ब्रुकहिल टावर में अपार्टमेंट में रहने लग गई। नंबर दो, रवीना टंडन। दोस्तों बॉलीवुड में मस्त मस्त गर्ल के नाम से मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन आज बॉलीवुड की सबसे मशहूर और टैलेंटेड अभिनेत्री है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें, एक समय ऐसा था जब रवीना टंडन अजय देवगन की दीवानी हुआ करती थी। अजय देवगन भी इन्हें बेइंतहा मोहब्बत करते थे। इन दोनों की जोड़ी को दर्शक बड़ा पसंद करते थे। लेकिन इन दोनों के बीच करिश्मा के आ जाने से अजय देवगन ने रवीना टंडन से दूरी बना ली, कुछ समय बाद ब्रेकअप कर लिया और ब्रेकअप के बाद रवीना टंडन काफी अकेली हो गई, डिप्रेशन का शिकार भी हो गई। नंबर दोस्तों, तब्बू भी बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री है जिनका नाम बॉलीवुड की फेमस अभिनेत्रियों में लिया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि तब्बू भी अजय देवगन के प्यार में पागल थी, लेकिन अजय देवगन पहले से ही शादीशुदा थे जिसके कारण इन दोनों का प्यार सफल नहीं हो पाया। दोस्तों आपको बता दें, तब्बू ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने अजय देवगन की वजह से शादी नहीं की। नंबर चार, आमिर खान। दोस्तों बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाने जाने वाले अभिनेता आमिर खान आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज इनका नाम बॉलीवुड के टॉप हीरोज में लिया जाता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि एक समय ऐसा था जहां आमिर खान अपनी दोस्त रीना दत्ता से प्यार करते थे, उनके प्यार में पागल थे। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि आमिर खान ने अपने हाथ की नस काटकर खून से खत लिखा था, जिसके बाद रीना दत्ता ने उनसे काफी झगड़ा भी किया था, साथ ही गुस्से भरे अंदाज में कहा था कि ऐसी हरकत दोबारा मत करना। वहीं रीना दत्ता ने आमिर खान की दीवानगी देख आमिर के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया और दोनों ने कुछ समय बाद एक दूसरे से शादी कर दी, लेकिन बदलते वक्त के साथ ये दोनों अलग हो गए। नंबर पांच, धर्मेंद्र। दोस्तों किसी ने सही कहा है कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। प्यार तो कभी भी किसी से हो जाता है, तभी तो हमारे बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने शादीशुदा होते हुए भी चार बच्चों के पिता होने के बावजूद भी हेमा मालिनी से प्यार किया। साथ ही हेमा मालिनी को पाने के लिए अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही शादी कर ली। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए मुस्लिम धर्म भी अपना लिया। नंबर छह, मिथुन चक्रवर्ती। दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी हस्ती है। मिथुन चक्रवर्ती ने बॉलीवुड में मिर्गिया फिल्म से डेब्यू किया। इन्होंने पहली फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया और उन्हें पहली फिल्म में अवार्ड भी मिल गया। लेकिन दोस्तों इतने बड़े सुपरस्टार कहे जाने वाले मिथुन चक्रवर्ती ने अपना पहला प्यार यानी योगिता बाली को पाने के लिए अपनी पहली पत्नी हेलेना ल्यूक को तलाक दे दिया और रहने लगे योगिता बाली के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये बात बहुत कम लोगों को पता है। मिथुन चक्रवर्ती ने जब योगिता बाली को पहली बार देखा था तो उनकी खूबसूरती और मासूमियत से पहली नज़र में दीवाने हो गए। इसी बीच इनके अपनी पहली पत्नी से अनबन चल रही थी, जिसके कारण मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी पहली पत्नी को डिवोर्स देकर योगिता बाली को प्रपोज कर दिया। वहीं योगिता बाली भी मिथुन चक्रवर्ती को प्यार करने लगी। कुछ समय बाद दोनों शादी के बंधन में बंध गए। तब से लेकर आज तक ये खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में इन स्टार्स ने प्यार में पड़कर सही कदम उठाए या गलत? आप अपनी राय कॉमेंट में दीजिए और बॉलीवुड से जुड़ी और भी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।